अस्सलाम वालेकुम नानी साज में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज मेरे किचन में बन रहा है सूखा चिकन। ये केरला की डिश है, बहुत ही मज़े की होती है। ये 1 किलो चिकन है। मैं उसको 1 टीस्पून अदरक लहसुन, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चिल्ली पाउडर डालकर उसको मैरिनेट करी हूँ। अब उसमें मैं दही डालूंगी। ये 1 प्याली दही है। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूंगी। ये सब हाथ से मिलाए तो अच्छा रहता है, अच्छा मिलता। मैं अच्छा हाथ धो के इसको कम से कम 1 घंटा तो भी रखना, घंटा आधा घंटा, बस इतने ही मसाले जाते हैं बाद। अब इसको मैं पकाऊंगी ना, तब सूखे मसाले डालूंगी। खाली ये मैरिनेट करके रख डालना, अदरक लहसुन नमक मिर्ची पाउडर ये डाल के दही। एक कढ़ाई में मैं तेल डाली थी, उसमें मैं 4 प्याज तल के रखी हूँ, फ्राई करके रखी हूँ। अब मैं उसी तेल में पकाऊंगी। ये कुटा हुआ लहसुन अदरक है 2 टीस्पून, ये भी इसमें डालूंगी मैं। 5 मिनट तक मैं ये अदरक लहसुन को भूनूंगी। इसके बाद मैं ये 2 टमाटे पीस के रखी हूँ, उसका पेस्ट डाल दूंगी। आप काट के भी डाल सकते हैं, मैं पीस डाली। इसको अच्छा पकने दूंगी। 4 हरी मिर्ची है, मैं बीच में से काट के डालूंगी। 1 टीस्पून चिली पाउडर, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ जीरा 1 टीस्पून। ये सूखा होता है एकदम, ग्रेवी नहीं होती है इसमें। वन टी स्पून नमक, क्योंकि मैं चिकन में भी नमक डाली हूँ। इसको अच्छा पकने देना, ये मसाला अच्छा पकने के बाद मैं चिकन डालूँगी। ये मैं 1 घंटे के लिए रखी थी मैरिनेट के लिए। अब मैं ये अच्छा ऊपर पक गया मसाला, ऊपर तेल भी आ गया। अब मैं ये डालूँगी, चिकन डाल के दम पर छोड़ूंगी। इसके बाद दिखा, देखिए पककर तैयार है। सूखा फिश सूख गया है पूरा। देखिए प्याज मैंने तली हुई थी ना, पहले आधी डाल दी, अब मैं आधी फिर डालूंगी दम के ऊपर, पूरी डाल दूंगी। इसको मिक्स करूंगी। देखिए पूरा सूख गया है। ये पराठे के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, जीरा राइस, ज्यादा पराठे के साथ ही अच्छा दिखता है। पूरा गोश्त गल गया है। अब
मैं मलाबार पराठा बनाना बताती हूँ। ये मैंने 3 कप आटा ली, मैदा ली हूँ, उसमें मैं थोड़ा 1 चुटकी नमक डाली हूँ, शक्कर 1/2 टीस्पून, दूध डाल के ये मैंने गुनी हूँ आटा, 1-2 घंटा पहले गुन के रखी हूँ। अब मैं इसका पराठा बनाऊंगी। आटा ऐसा सॉफ्ट रहना चाहिए। देखिए मैंने पेड़े बना ली हूँ, अब मैं इसको बेलूंगी, बेलकर बड़ी रोटी बनाऊंगी। देखिए मैंने ये पतली रोटी ऐसा बेल दी हूँ, इसी तरह से और एक बेल के दिखाती हूँ। अब मैं इसके ऊपर घी, तेल, जो कुछ आपके पास रहेगा आप वो लगाइए। मैं घी लगा रही हूँ, इसको चारों तरफ लगा के रोटी दे दी ना, वो डालूंगी इसके ऊपर। अब मैं इसके पीसेस करूंगी पतले पतले। मैंने पीस करती हूँ, फिर मैं इसके ऊपर तेल लगाऊंगी। देखिए ये मैंने पेड़े बना डाली हूँ, अब मैं इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने रखूँगी। अब मैं एक रोटी आपको बेलकर दिखाती हूँ, हाथ से भी बेल सकते हैं। ऐसा बड़ी करूंगी। देखिए मैंने तवा गरम करी हूँ, मैं ये पराठा डालूंगी। आप बड़ा भी बना सकते हैं, छोटा भी बना सकते हैं, कैसी आपकी मर्जी। अब मैं इसके ऊपर घी लगा के फिर पलट दूंगी। आप लगा सकते हैं, नहीं तो सूखी भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बनकर तैयार हो गया है सूखा चिकन पराठा, लच्छा पराठा। आप भी इसी तरीके से बनाइए, खाइए। मुझे दुआओं में याद रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में फिर मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।